28 अगस्त 1789 में विलियम हर्शल ने अपने एक नए टेलीस्कोप को यूज किया, जो कि एक 40 फीट की ऊंचाई का तब के समय का विश्व का सबसे बड़ा टेलीस्कोप था। तो उन्होंने जब उस टेलीस्कोप से इस कभी ना खत्म होने वाले रहस्यमय अंतरिक्ष में देखा तो उन्हें कुछ ऐसा देखने को मिला जो उन्होंने कभी अपने छोटे टेलीस्कोप में नहीं देखा था। जिस चीज को उन्होंने खोजा था वो था इंसेलेडस। उन्होंने देखा कि इंसेलेडस काफी धुंधला दिखाई दे रहा था और यह सैटर्न से काफी कम चमकीला है, और सैटर्न की रिंग्स वो कारण थी जो इंसेलेडस को पृथ्वी पर मौजूद छोटे टेलीस्कोप से छुपा रही थी। लेकिन विलियम हर्शल ने अपनी इस खोज को कोई नाम नहीं दिया। विलियम हर्शल की इस खोज को नाम उन्हीं के बेटे जॉन हर्शल ने 1847 में दिया। जॉन हर्शल ने सैटर्न के बाकी 7 उपग्रहों की तरह इंसेलेडस का नाम भी ग्रीक मैथोलॉजी से ही लिया। बाद में हुए अध्ययन से हमें यह पता चला कि इंसेलेडस सैटर्न के उन उपग्रहों में से है जो सैटर्न का काफी करीब से ऑर्बिट करते हैं। अब जब बात ऑर्बिट की है तो इंसेलेडस सैटर्न ग्रह के सेंटर से इसका ऑर्बिट 238,000 किलोमीटर की दूरी से करता है और इसके बादलों से 180,000 किलोमीटर की दूरी से करता है। इंसेलेडस सैटर्न का ऑर्बिट लगभग 33 घंटों में पूरा करता है, जो कि इतना तेज है जिसको हम हमारे पास मौजूद टेक्नोलॉजी से केवल एक रात में ऑब्जर्व कर सकते हैं। इंसेलेडस सैटर्न ग्रह के दूसरे उपग्रह डायोड से 2.1 की रेशो से सैटर्न ग्रह का ऑर्बिट करता है, यानी कि डायोड के सैटर्न ग्रह के अराउंड एक ऑर्बिट के दौरान इंसेलेडस सैटर्न ग्रह के 2 ऑर्बिट पूरे करता है, जो कि इंसेलेडस के ऑर्बिट को 0.0047 की इंसेंट्रिसिटी देता है, जो कि एक फोर्सफुल इंसेंट्रिसिटी है। इंसेलेडस की इस नॉन जीरो इंसेंट्रिसिटी के कारण इंसेलेडस की सरफेस की टाइडल डिफॉर्मेशन होती है। इस टाइडल डिफॉर्मेशन से प्रोड्यूस होने वाली हीट इंसेलेडस को जियोलॉजिकल एक्टिव बनाती है। जैसे मैंने बताया कि विलियम हर्शल ने बताया था कि सैटर्न की रिंग्स के कारण इंसेलेडस दिखाई नहीं दे पा रहा था, तो उसका यह कारण भी था कि इंसेलेडस सैटर्न का ऑर्बिट इसकी ई रिंग में रहकर करता है। सैटर्न की यह ई रिंग इसकी सबसे बाहरी और सबसे बड़ी रिंग है, और यही रिंग सैटर्न की रिंग्स में मौजूद मटेरियल के पीछे का मेन सोर्स है। सैटर्न के बाकी उपग्रहों की तरह इंसेलेडस भी सैटर्न के साथ सिंक्रोनसली रोटेट करता है, जिसे इसकी केवल एक साइड ही सैटर्न की तरफ रहती है। 1980 में कुछ रिसर्चर्स ने यह भी सुजेस्ट किया था कि इंसेलेडस ही सैटर्न की ई रिंग में मौजूद मटेरियल का मेन रीजन है। इस आइडिया को और भी स्ट्रॉन्ग किया कैसिनी स्पेसक्राफ्ट के द्वारा 2005 में इंसेलेडस के ऑर्बिट में मिले डाटा से। कैसिनी से पहले 1981 में अगस्त के करीब वॉयजर ने पहली बार इंसेलेडस की सरफेस को ऑब्जर्व किया था। वॉयजर 2 की ऑब्जर्वेशन से हमें इंसेलेडस की हाई रिजोल्यूशन इमेजेस मिली, जिन्होंने यह रिवील किया कि इंसेलेडस पर 5 तरह की टेरियंस हैं, जिनमें कुछ रीजन में क्रेटर हैं, कुछ काफी स्मूथ रीजन हैं और रिजिड टेरियन की लेंस हैं, जो स्मूथ एरिया को बाकी एरिया से दूर रखती हैं। इसके बिना इंसेलेडस की सरफेस पर कुछ काफी बड़े लीनियर क्रैक्स और स्क्रैप्स के काफी बड़े ढेर भी देखने को मिले। इसके बिना इमेजेस से हमें यह भी पता चला कि स्मूथ प्लेन पर क्रेटर्स काफी कम मात्रा में थे, जिससे हमें यह पता चला कि यह सरफेस काफी नई है और कुछ 100 मिलियन साल ही पुरानी है। इंसेलेडस की सरफेस पर मौजूद बर्फ काफी ज्यादा साफ है, जो इसे काफी रिफ्लेक्टिव बना देती है, क्योंकि यह हमारे सोलर सिस्टम की हमारे द्वारा खोजी गई अभी तक की सबसे ज्यादा चमकीली वस्तु है। तो इंसेलेडस पर पहुंचने वाली सूर्य की रोशनी भी इसके चमकीले होने के कारण रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसे इसका सरफेस टेम्परेचर -198 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जो सैटर्न के सभी उपग्रहों में से सबसे ज्यादा ठंडा है। वॉयजर से मिले इस डाटा ने वैज्ञानिकों के इंटरेस्ट को इंसेलेडस में बढ़ा दिया, तो कैसिनी ह्यूजन स्पेसक्राफ्ट को इंसेलेडस की स्टडी के लिए भेजा गया। 17 मार्च 2005 से लेकर 14 जुलाई 2005 के बीच कैसिनी ह्यूजन स्पेसक्राफ्ट ने फ्लाईबाइज के दौरान इंसेलेडस को वॉयजर से भी ज्यादा डिटेल में स्टडी किया और इस डेटा को हमारे तक पहुंचाया। और इसके साथ ही कैसिनी ने इंसेलेडस की हाई रिजोल्यूशन इमेजेस भी हम तक पहुंचाई।
कैसिनी ने उन एरियाज को स्टडी किया जिनको वॉयजर ने देखा था, और इसी के साथ साथ कैसिनी ने कुछ नए एरियाज को भी स्टडी किया। कैसिनी से मिले डेटा से हमने कुछ ऐसे एरियाज को देखा जहां की सतह काफी समय से काफी ज्यादा नष्ट हुई पड़ी थी, और हमें कुछ ऐसे एरियाज भी देखने को मिले जहां पर कोई भी क्रेटर नहीं था, जो इस तरफ इशारा करते हैं कि यहां पर हाल ही में कोई जियोलॉजिकल एक्टिविटी हुई है जिसके कारण इसकी सरफेस इतनी प्लेन है। कैसिनी से मिले डेटा और इमेजेस से हमें इंसेलेडस की सरफेस का काफी डिटेल्ड व्यू मिला, जिसमें हमने इंसेलेडस की सरफेस के वेरियस समतल और क्रेटर से भरे हुए रीजन को देखा। कैसिनी से ही मिले डेटा से हमें इंसेलेडस के इंटीरियर का एक डिटेल्ड मॉडल मिला, जिसने इंसेलेडस के मास शेप और इंटीरियर के बारे में पता लगाने में हमारी काफी हद तक मदद की। अब जब बात मास पर है तो इसका मास लगभग 1.080 × 10⁻²⁰ kg है, और इंसेलेडस का डायमीटर 504 किलोमीटर है, जो हमारी पृथ्वी के चांद का केवल 1.7वां हिस्सा ही है। कैसिनी ने 14 जून 2005 के अपने फ्लाईबाई के दौरान एक काफी हैरान करने वाले इंसिडेंट को इंसेलेडस के साउथ पोल के पास देखा। कैसिनी ने देखा कि इंसेलेडस के साउथ पोल से कुछ मटेरियल स्पेस में जा रहा था, और इस बात को जो बात सबसे ज्यादा मिस्टीरियस बनाती है वो यह है कि ऐसा केवल इंसेलेडस के साउथ पोल में ही देखने को मिल रहा था। बाद में हुई स्टडी से हमें यह पता चला कि यह केवल गर्म पानी के ज्वालामुखी हैं, जिनके फटने के कारण वाटर जेट्स हमारे अंतरिक्ष में जा रही थी। इस एक जेट में लगभग हर सेकंड 250 किलोग्राम पानी लगभग 2190 किलोमीटर पर आर की स्पीड से स्पेस में जा रहा था। वैज्ञानिकों को जिस बात ने सबसे ज्यादा हैरान किया वो यह थी कि इंसेलेडस का साइज इतना बड़ा नहीं है कि यह इंसिडेंट उसकी इंटरनल हीट के कारण हो रहे हों। इसके पीछे यह भी आशंका जताई जा रही है कि शायद इसकी कोर साउथ पोल की तरफ ऑफ सेंटर्ड होगी, जिसके कारण साउथ पोल में ज्यादा हीट होने के कारण यह इवेंट हो रहे हों। पर अभी तक हमें इसके पीछे के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इन वाटर जेट्स ने हमें एक और बात के बारे में भी जानकारी दी कि इंसेलेडस की बर्फ से ढकी हुई सरफेस के नीचे काफी बड़ा ओशियन है जिसमें शायद जीवन मौजूद हो। 2007 की एक स्टडी ने यह बताया कि अगर टाइडल फोर्सेस भी इंसेलेडस की हीट सोर्स का कारण हो तो वो 1.1 गीगावाट से ज्यादा नहीं होंगी। लेकिन कैसिनी से मिले डेटा से हमें यह पता चला कि इसका हीट सोर्स लगभग 4.7 गीगावाट का होगा, और यह इंसेलेडस के साथ इक्विलिब्रियम में होगा। इसके बाद कैसिनी को इंसेलेडस के काफी पास से फ्लाई किया गया, तो कैसिनी ने अपने फ्लाईबाई के दौरान अमोनिया, हाइड्रोजन, NaCl और कई अदर एलिमेंट्स को ट्रेस किया। इंसेलेडस पर मौजूद खारे पानी और हीट सोर्स ने हमारा विश्वास इस बात में इंक्रीज किया कि इंसेलेडस की बर्फीली परत के नीचे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इसकी कोर के पास हों, जो वहां पर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीवन मौजूद होने के चांसेस को इंक्रीज करता है, जिसका पता लगाने के लिए कुछ रोबोटिक मिशंस को भेजने के बारे में भी सोचा जा रहा है, जो इसकी सरफेस के नीचे जाकर जीवन का अंश वहां पर मौजूद होने की जांच करेंगे। लेकिन अभी तक इंसेलेडस पर केवल 3 मिशंस को ही भेजा गया है, जिनमें वॉयजर 1, वॉयजर 2, कैसिनी हाइजन शामिल हैं, जिन्होंने इसका काफी अच्छे से अध्ययन किया और हमें इसके बारे में काफी मात्रा में डिटेल्ड डेटा प्रोवाइड किया। इन स्पेसक्राफ्ट से मिले डाटा ने वैज्ञानिकों की रुचि इंसेलेडस में काफी हद तक इंक्रीज कर दी। काफी मिशंस को इंसेलेडस पर भेजने के बारे में सोचा गया, लेकिन कम फंडिंग के कारण इन मिशंस को कैंसिल करना पड़ा। सितंबर 2018 में नासा और ब्रेकथ्रो इनिशिएटिव ने एक कोऑपरेटिव एग्रीमेंट को साइन किया, जिसमें उन्होंने एक मिशन के इनिशियल फेज के बारे में लिखा था, जिसमें एक लो कॉस्ट लो मास के एक रॉकेट को हाई स्पीड पर लॉन्च किया जाएगा, जो इंसेलेडस के उन वाटर वोल्केनोस की जेट में से गुजरकर उनका सैंपल लेगा और माइक्रोबायोलॉजिकल लाइफ के ट्रेसेस को देखेगा। इस मिशन की लॉन्च डेट के बारे में नासा ने अभी तक कुछ नहीं बोला, लेकिन जब भी वो मिशन लॉन्च होगा वो हमारे लिए एक रोमांचकारी पल होगा, क्योंकि हो सकता है कि उस मिशन से हमें हमारे सोलर सिस्टम में कहीं और भी जीवन का अंश मिल जाए।
दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।